90% लोगों को लगता है कि औरतें अमीर आदमियों के साथ ही सेटल होना चाहती हैं। तो देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज परसेंटेज। 60%। आओ देखते हैं क्या है जेंटलमैन का स्कोर। ये काटा बेटी की है। बस वही इसीलिए किए। 50%। आप 50% क्यों बोलते हैं? ये शुरू होता है कॉलेज से थोड़ा पहले कि इफ यू वांट टू इम्प्रेस विमेन तो आपको महंगी गाड़ी में घूमना होगा, यू हैव टू डू रियली वेल इन लाइफ, आपको एक स्टेटस बनाना पड़ेगा ताकि आप एक अच्छी लड़की यू नो उसके साथ आपकी शादी हो सके। और आपके रिश्ते भी जब आप करवाते हो तो वहाँ बोला जाता नहीं हम आपसे बड़े घर में जाएगी। Okay. हाँ, लेकिन वो ये क्वेश्चन ही पूछते जब है ना तो इस नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ पूछा जाता है कि अगर कोई लड़की बोल रही है कि उसे एक अच्छे घर में सिक्योर घर में जा रही है तो शी इज लिटिल चालू, पर वो है नहीं। आई फील दैट समटाइम्स इट यू नो गोज इनटू अ जोन वेयर इट्स मिसइंटरप्रेटेड एज ओनली वेल्थ। इट या Yes. It could I mean, think it's a lot of times that a girl wants to look up to a guy and want to be with a guy who's very driven. Yeah, driven. कि मतलब भले अभी पैसा ना हो, वो लगन है, वो कर लेगा बंदा। और जब आप में वो ड्राइव होती है कोई चीज करने की तो पैसा मुझे लगता है कि आ ही जाता है। रश्मि आप क्या कहना चाहती हैं? आई थिंक लोग ऐसा सोचते हैं कि लड़कियों को पैसे वाला ही चाहिए, या अगर अरेंज मैरिज है तो डेफिनेटली फैमिली वुड वांट कि लड़की हम जो है उससे चार कदम बड़ी फैमिली में जाए ताकि वो जो एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज और एक प्लेसमेंट होती है फैमिली के बीच में वो इजीली हो जाती है। एंड सेकंड ये होता है व्हाट आई सी इन टुडेज वर्ल्ड, आपको अडैप्ट करनी है वो चीज़ें जो आपके रीच से बाहर है। सो आजकल की प्रैक्टिकल लाइफ में इवन अ यंगर गर्ल वुड वांट टू सेटल डाउन विद अ मैन हु हैज सिक्योरिटी। नहीं यंगर गर्ल नहीं, ये तो इन्फेंट स्टेज से यार। आप सिंड्रेला की स्टोरी, नाइट इन शाइनिंग आर्मर, कोई प्रिंस आएगा आपको लेके जाएगा, ये तो बचपन से आपको सिखाया जाता है ना कि कोई अमीर प्रिंस आएगा और वो एक सिंड्रेला को रेस्क्यू करके लेके जाएगा, या फिर एक शहजादा आएगा और वो शहजादी बना के लेके जाएगा। Exactly, that's what exactly I meant, because आप अपनी लाइफ में एक स्ट्रगल करके कहीं पहुंचते हो, you don't want your kids to face the same problem. Correct, but what is your approach to it? According to the question, I feel ये believe है, मतलब लोग सोचते हैं। Correct. But in real life, it's a myth. Women only wants to get love and they only want respect. Even the Cinderella part, I feel happens when you are looking for a shehzada. पर अगर आपको प्यार हो गया ना, फिर वो शहजादा हो ना हो। अच्छा जितनी हमारी कितनी सारी ऐसी फिल्में हैं जिनका प्रमाइस ही होता है कि एक अमीर यू नो लड़की को एक गरीब लड़का पटा लेता है। क्यों? क्योंकि वो स्टिग्मा है। दैट्स व्हाई इट वर्क्स, दैट्स व्हाई यू वांट टू सी दिस फिल्म कि क्या होगा, क्या ये गरीब लड़का अमीर लड़की पटा पाएगा। एज अ सोसाइटी एक स्टिग्मा है, तभी हमें एंटरटेनमेंट उसमें अच्छी लगती है। सी इंडिया इज टू वास्ट कंट्री, ऐसे कई अमीर पिता है और हो सकता है कि नॉट वेल टू डू लड़का हो तो दे से ओके फाइन आप शादी कर लो, वी विल सपोर्ट हिम टू डू समथिंग। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स दैट वे आल्सो इन सोसाइटी। तो ऐसा नहीं है कि ये वन वे ही है। ऐसा भी होता है कि टू एन अननोन पर्सन इन अरेंज मैरिज आप यही चाहते हैं कि आपकी बेटी एक स्टेबल घर में जाए, और वैसा सोचना कुछ बुरा नहीं है। इट हैपेंस मोर व्हेन इट्स बीइंग अरेंज्ड, आई थिंक। करेक्ट, यस। चलो देखते हैं कि इंडिया की सोच क्या है। इस सवाल का सही जवाब है 40%।